पास में एक स्टैचू बना हुआ है, लगभग ऐसा खास है जो 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हम आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको अंदर से दिखाते हैं। काफी जगह पे ऐसे हालात होते हैं औरतों के। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टैचू है काफी बड़ा, रेन पोंचो ऐसे कुछ करके नाम है, मुझे प्रॉपर याद तो नहीं है नाम क्या है, फिलहाल देख लेंगे। तो उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कैसा स्टैचू है कैसा नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं हम आगे। यहाँ पास में एक स्टैचू बना हुआ है, हमने आपको बताया शायद नहीं, पास में एक स्टैचू बना हुआ है, लगभग उस पर बता रहे हैं कि 10 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। 10 करोड़ रुपये, भाई मैं खुद जानना चाहता हूँ वो 10 करोड़ रुपये किस वजह से और क्यों खर्च किए गए हैं, उसमें क्या ऐसा खास है जो 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं उस पर। काफ़ी बड़ा है, ठीक ठाक है, हम देखेंगे तभी पता चल पाएगा। तो मैं खुद जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि जिसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, हमें यहीं पे बताया, तो उसे देखेंगे कि सच में 10 करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे या नहीं। तो फिलहाल उसी के लिए देखेंगे कि प्रॉपर वहाँ पर जाके पता चल पाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल हम स्टैचू के बाहर पहुंच चुके हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। फिलहाल फ्रंट पे काफी बड़ा गेट लगा हुआ है। तो चलिए फिलहाल हम अंदर चलते हैं और आप सामने देख सकते हैं काफी सारी सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर तक चढ़कर जाना रहेगा। फ्रंट पे आते ही कुछ इस साइड से देखने को इस तरीके से मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया हुआ है। तो फिलहाल हम आपको फ्रंट से पहले व्यू दिखाते हैं, फ्रंट के बाद फिर हम ऊपर चलेंगे, ऊपर से दिखाएंगे और अंदर से दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम आपको फ्रंट दिखाते हैं। यह है फ्रंट साइड और काफ़ी हाइट पे है और फ्रंट से पूरा देख पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। हम फ्रंट देख सकते हैं लेकिन ऊपर की मूर्त जो है वो देख पाना काफ़ी मुश्किल है। अब हम आपको चलेंगे लेकर ऊपर थर्ड फ्लोर पे और ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कैसा दिखता है। तो चलिए, बारीकी से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से बिल्कुल एक एक छोटे पॉइंट को किस तरीके से बनाया हुआ है और उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है। भाई सही में बात की जाए तो इसको देख के मुझे सच में लग रहा है कि 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसे बनाया हुआ भाई 10 करोड़ आराम से लग जाएंगे, वो सच में लगे हुए हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं टॉप पे और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, इससे ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ तो लगी हैं लेकिन हम नहीं जा सकते। फिलहाल हम आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाएंगे, काफ़ी सारे यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं घूमने, ये देख सकते हैं इतनी बड़ी मूर्त है। यहाँ पे फिलहाल गेट लगा हुआ है, यहाँ से बंद है।
ऊपर से रिवाल्सर का कुछ व्यू इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पूरे का पूरा रिवाल्सर यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। ये है पास में जो नीचे रिवाल्सर लेक है। फिलहाल हम आपको अंदर से दिखाते हैं, तो अंदर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बना हुआ है। अंदर साइड देखने से आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा कि ये किस तरीके से और काफ़ी बारीकी से इस मोनेस्ट्री या ये स्टैचू का जो भी है इसे बनाया हुआ आप देख सकते हैं। पूरा एरिया जो है वो डिज़ाइन करके भरा हुआ, पूरे में हर अलग अलग प्रकार की तस्वीर बनी हुई है, किस किस तरीके से बनी है। इन चीजों को काफी बारीकी से बनाया हुआ है, बिल्कुल एक एक छोटे पॉइंट को और उसमें डिज़ाइन और कलर बिल्कुल बारीकी से भरे हुए हैं भाई। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने के लिए। यहाँ पे आपको सामने एक तस्वीर देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं।
तो आप चोटों को देख सकते हैं, इन्होंने अंदर जो गमले वगैरह लगे हुए थे उनमें से फूल निकाल के तोड़ रही थी, चोरी छुपे। तो इनको काफ़ी फूल पसंद आए तो उन्होंने बिना पूछे तोड़ लिए और बैग में डाल लिए। ऐसे हालात होते हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी जगह पे ऐसे हालात होते हैं औरतों के। अरे किसी लगी हुई चीज़ को क्यों तोड़ रहे हो बिना वजह के। तो फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।